ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। बीएसपी ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। तो बीएसपी की ओर से प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है। 12 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां बीएसपी ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है और 12 उम्मीदवारों का ऐलान बीएसपी की ओर से कर दिया गया है। तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल इस समय तैयारी में लगे हैं। बीएसपी की अगर बात करें तो बीएसपी की ओर से भी अपने मुद्दों को लेकर लगातार तैयारी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बीएसपी ने प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी की है। 12 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जा चुका है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 12 उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है। तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, जहां बीएसपी ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। तो प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। वैसे पूरे दमखम के साथ बीएसपी मैदान में उतर रही है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बीएसपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। गाजियाबाद से नंदकिशोर पुंडीर उम्मीदवार हैं, ये वो नाम है। वहीं मथुरा से सुरेश सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। तो 12 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। बीएसपी ने उम्मीदवारों की नई सूची जारी की है। मैनपुरी से गुलशन देव को टिकट दिया गया है, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और खीरी से अंशय कालरा को टिकट मिला है। लोकसभा चुनाव को लेकर ये बड़ा अपडेट आपको हम बता रहे हैं। बीएसपी की ओर से प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। 12 उम्मीदवारों का जो नाम है वो सामने आ चुका है। 12 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, जिनमें मथुरा से सुरेश सिंह को बीएसपी ने टिकट दिया है और मैनपुरी से गुलशन देव को टिकट मिला है। वहीं खीरी से अंशय कालरा को टिकट दिया गया, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अलीगढ़ से हितेंद्र कुमार उर्फ बंटी उपाध्याय उम्मीदवार होंगे। तो मैनपुरी से गुलशन देव शाक्य को उम्मीदवार बनाया गया है। तो 12 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बीएसपी की ओर से कर दिया गया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो मैनपुरी से गुलशन देव को टिकट दिया गया है और मथुरा से सुरेश सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। खीरी से भी उम्मीदवार का नाम अब सामने आ चुका है बीएसपी की ओर से, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर बीएसपी की ओर से जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है और जो नाम है 12 नाम वो सामने आ चुके हैं। तो बीएसपी ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है और 12 उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है। मथुरा से सुरेश सिंह को टिकट दिया गया है और मैनपुरी से गुलशन देव को टिकट मिला है। खीरी से अंशय कालरा को टिकट दिया गया है बीएसपी की ओर से। उन्नाव से अशोक कुमार पांडे को टिकट दिया गया है। मोहनलालगंज से राजेश कुमार मैदान में बीएसपी ने उतारे हैं और लखनऊ से सरवर मलिक मैदान में होंगे। कन्नौज से इमरान बिन जफर मैदान में होंगे, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कौशाम्बी से शुभ नारायण मैदान में होंगे। तो ये वो नाम जो कि बीएसपी ने मैदान में उतारे हैं। 12 उम्मीदवारों के नामों की जो सूची है बीएसपी की ओर से जारी कर दी गई है, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बीएसपी ने 12 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। मथुरा से सुरेश सिंह को टिकट दिया गया है, मैनपुरी से गुलशन देव को टिकट दिया गया है, खीरी से अंशय कालरा को टिकट दिया गया है।